रात के लगभग 11:15 बज रहा है और सड़क के दोनों ओर भोले बड़ी संख्या में यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। और अभी इनसे बात हुई थी तो इनका कहना था कि हम करीबन 6-7 बजे के लगभग निकले हैं हर की पैड़ी से और 3-4 बजे हम वापस अपने गंतव्य को रवाना हो जाएंगे। एक पूरा मेला सा लगा हुआ है जबकि विधिवत रूप से इसकी शुरुआत कल है। बोले व्यवस्था कैसी लगी? बढ़िया है जी, बढ़िया। व्यवस्था ठीक लगी? हाँ जी, बढ़िया। आप लोग कितने बजे चले थे हर की पड़ी से? 2 बजे। 2 बजे। अब कहाँ जाओगे? नौवाने के पास। ये कितने दिन कितने दिन लगेंगे? 9-10 दिन। 9-10 दिन। एक दिन में करीबन कितना चलते हो? 13-12 किलोमीटर। आज पहली बार आ रहे हो? जी। इस पहले वैसे आए पर कलश अब गई आए। अच्छा, कलश भी भारी भरकम है आपका। कितने लीटर है करीबन? 51 लीटर। 51 लीटर है। ये कितनी दूरी तय करोगे आप 8-9 दिन में? चलो 140 किलोमीटर। जय बोलेगी दूरी पर, नहीं दूरी पर है। हाँ, आप लगेगा तो नहीं? नहीं लगने की नहीं। जाओ। चलो ठीक। दोनों साइड एक्चुअली लोग हैं और एक एक इंच का फासला रखना पड़ रहा है जिस कारण, तो ये यहाँ की स्थिति है। इन परिस्थिति में हरदार पुलिस काम करती है। आइए आपको स्थिति दिखाई जाए कि यहाँ कैसे माहौल बना हुआ है। ये यहाँ एक भंडारा लगा हुआ है, ये इनके नहाने की व्यवस्था है। हजारों की संख्या में कांवड़ यात्री यहाँ विश्राम की मुद्रा में हैं। ये तब है जब विधिवत रूप से इसकी शुरुआत कल होगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से काफ़ी पहले ही इतनी ज़्यादा संख्या में कांवड़िए इस बार यहाँ पर आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से? कितने बजे चले थे हर की पैड़ी से? आज दिन में? रात में 3 बजे। रात में 3 बजे। आज रात में पूरा विश्राम करोगे या रात में निकल जाओगे? रात को 3 बजे फिर से चलाएगा। एक दिन में कितना किलोमीटर करीबन चल जाते हो? 10-15 किलोमीटर। धीरे धीरे बढ़ा देंगे। तो कितने दिन में पहुंच जाओगे दिल्ली? 10-10 दिन में तो पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पुलिस वुलिस की व्यवस्था आपने देखी कैसी लगी? है बढ़िया लगी व्यवस्था? बढ़िया। और जो जो भी सुधार देना है, क्या क्या और बेहतर करना चाहिए, आप लोग अपने सुझाव दे सकते हैं 112 नंबर पर कॉल करके। ठीक है, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भोले की, बोल शंकर भगवान की जय। ये यहाँ की स्थिति है और जो व्हाइट लाइन है इससे केवल कुछ ही इंच की दूरी पर ये लोग गहरी नींद में हैं। एक प्रकार से पूरा मेला लगा हुआ है जो
कांवड़ यात्रा जिसको शुरू होने के बाद 6 से 7 या 8 दिन करीबन 10 दिन हो जाते थे या 5-6 दिन हो जाते थे, उसके बाद जो स्थिति बनती थी वो कांवड़ यात्रा के विधिवत शुरुआत होने से पहले ही बन चुकी है। ये अपने आप में बहुत ही विशेष बात है। इस बार पूरी सड़कें बिल्कुल लकदक हैं, पूरा माहौल बना हुआ है। बोले कहाँ जाओगे? दिल्ली। आजा बोले आजा। गहरी नींद में है। किसी एक भी कांवड़ पे जरा सा भी अगर कुछ टच हो गया तो कैसी स्थिति हो जाती है आप सभी को पता होगा। इन विशेष परिस्थितियों में हरिद्वार पुलिस यहाँ पर काम करती है, आप सब लोगों की शुभकामनाओं से। और ऐसा सैकड़ों जगह पर है। हरिद्वार का जो जनपद है करीबन 35-40 किलोमीटर का जो एरिया पड़ता है इनका, उसमें काफ़ी बड़े एरिया में ऐसी स्थिति बनती है। जगह जगह सड़कों पे आपको कई किलोमीटर लंबा अभी पोर्शन दिखाया गया था जिसमें जगह जगह कांवड़िया यात्रा में भी थे, यहाँ पर विश्राम में है। इन सब शुभकामनाओं के बीच हर हर भोले, हर हर महादेव।